सच्चिदानंद ब्रह्म महामहिमाये सदगुरु परम ब्रह्म महिमाये विश्व ब्रह्मांड मंगल हो ब्रह्म महिमाये जो सरसत साधु को आशीर्वाद रहो महिमाये प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी को आशीर्वाद रहो ब्रह्म महिमाये विश्व ब्रह्मांड मंगल हो ब्रह्म महिमाये समस्त संकर हरि को हरि पूजामन हो ब्रह्म महिमाये जन्म जन्मांतर ज्ञान दूर हो ब्रह्म महिमाले गुकारंच गुणातीतम रोकार रूप वर्जितम गुणातीतम रूपम चयो तद्यास गुरु स्मृतः अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ गुरु पादोदकम पिवेत शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसः गुरु पादोदकम सम्यक संसार रण तारकम सौरे सरोति शिरो रत्न विराजितम पदम भुजम वेदांतार्थ प्रवक्तारं तस्मात् सं गुरु पूज्ये गुरु की महिमा अनंत है अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार गुरु की महिमा अमित है कही ना सके श्रुति से गुरु की कृपा कटाक्ष से रंग कहूं हो तनरेश महाप्रभु महामहिमाले। आज अत्यंत हर्ष और आनंद की घड़ी हमारे भारतवासियों को जो उपलब्ध हुआ है, राम मंदिर प्रतिष्ठा के विषय में दुख शब्द कहना चाहते हैं, क्योंकि राम शब्द अंतर बाहर दोनों दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहा गया है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम उन्हों से न्यारा। जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, चौथे राम निज सार है, ताको करो विचार। राम शब्द अगर लौकिक मत में देखा जाए तो आज लगभग 496 वर्ष, लगभग 500 वर्ष पश्चात जो हमें उपलब्ध हुआ है, भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि जग में मंदिर प्रतिष्ठा किया जा रहा है, इसमें जितने भी हमारे भारतवासी मन वचन कर्म से जो सहयोग दिए हैं, पुरुषार्थ किए हैं, उसका फल आज हम सब भारतवासियों को जो आनंद की घड़ी उपलब्ध हुई है, इसलिए हम सब हमारे महिमा धर्म के सन्यासी ढेंकानाल जोरंदा धाम के पर सन्यासी अपर सन्यासी भक्त एवं धर्म प्राण प्रेमियों की तरफ से इस राम मंदिर प्रतिष्ठा में या तो स्थापन में जो मन वचन कर्म से सहयोग दिए हैं उनको हमारे साधु संत महात्माओं के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जन्मभूमि में मंदिर बनाकर जो प्रतिष्ठित कर रहे हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं,
प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अत्यंत खुशी और आनंद की घड़ी। इस कार्य को महाप्रभु से प्रार्थना है कि सब कोई तन मन धन से जो सहयोग करती आ रहे हैं और भविष्य में मन वचन कर्म से जो सहयोग करके इस मंदिर प्रतिष्ठा एवं मंदिर कार्य को पूर्ण करने में जो जो भी अन्नदान अर्थदान करके सहयोग दे रहे हैं उनको हमारे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हमने जो परिचर्चा की, जग में चारों राम है तीन राम व्यवहार, चौथे राम निज सार है ताको करो विचार। यह शरीर ही एक राम मंदिर है और इस शरीर में जो शरीरी है चेतनात्मा जो सब घट में रम रहा है, रमता राम आपका चेतनात्मा है। बाह्य लौकिक दृष्टि से पुरुषोत्तम राम जो संसार में भगवान का अवतार लिए थे, भगवान के रूप में आकर दुष्टों का दलन संतों का पालन करके संसार से अंतर्ध्यान हो गए और गए कहां, सब के अंतरंग अंतरात्मा में आत्म रूप में प्रतिष्ठित है। उस चेतन आत्मा को भी स्वीकार करें जो संत साहित्य में कहा गया है, कक्का केवल ब्रह्म है, बाबा बीज शरीर रर घट में रम रहा ताका नाम कबीर। जो हर घट में हर शरीर में रमता राम के रूप में जो रम रहा है वह कायाबीर कबीर ही रमता राम चेतनात्मा है। उस चेतनात्मा को याद करते हुए अंदर में चेतनात्मा को स्वीकार कीजिए और बाहर में पुरुषोत्तम राम को स्वीकार कीजिए। राम शब्द अंतर बाहर से एक ही है, इसलिए हर कोई जो संसार में हमारे भारत देश में इस कार्य में जो सहयोग दिए हैं तन मन धन से, उनके लिए यही कहना चाहते हैं हमारे भारतवर्ष के संत प्रेमी गुरु प्रेमी भगवान प्रेमी भक्तों को हम अंतरात्मा से कोटि कोटि धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। और बाहर में जैसे भगवान का अवतार होता है और उनके जन्मभूमि में मंदिर प्रतिष्ठा मूर्ति प्रतिष्ठा किए, उसी तरह हमारे अंतरात्मा में भी एक चेतन आत्मा का प्रतिष्ठित किया गया है जिसको संत महात्मा कहते हैं चेतन आत्मा। उनको संतों ने कहा है अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अज्राहम अमराहम अखंड, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अज्राहम अमराहम अखंड। इस चेतन आत्मा को स्वीकार करने के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व, इंसान में इंसानियत का गुण, मानव में मानवता का गुण निखार आ जाता है। इसलिए अपने आप को चेतन आत्मा स्वीकार कीजिए और वह चेतन आत्मा अजर अमर अविनाशी शाश्वत ब्रह्म है। उस ब्रह्म को स्वीकार करने के बाद आपको अगर संसार में भगवान को पाना चाहते हैं, त्रेतायुग द्वापर कलि सत्ययुग इनमें जो अवतार लेते हैं ये भगवान का नैमित्तिक अवतार माना जाता है और नित्य अवतार साधु संत महात्मा को माना जाता है। इसलिए हमारा देश संतों का देश है, संत महात्माओं का आशीर्वाद से
हम आज हमारे लगभग 500 वर्ष के पश्चात जो हमें उपलब्ध हुआ है उस आनंद को हम आपस में आदान प्रदान करके आनंदित होना चाहते हैं। इस कृपा वर्षे जहां हुए परमानंद और परमानंद के योग से मिटे सकल दुख दम। इस कृपा वर्षे जहां हुए परमानंद, परमानंद के योग से मिटे सकल दुख दम। इसलिए आपस में सबको राम शब्द से जय राम जी कहकर संबोधन करते हुए, आदान प्रदान करते हुए अपने आत्मभाव को सब में प्रसाद के रूप में, आनंद के रूप में सबको आदान प्रदान करते हुए हम खुशियां मना रहे हैं। और हमारे भारतवर्ष में हर घर के सामने एक दीपक प्रज्वलित करके उस आत्म ज्योति को स्मरण कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा न कहते हुए पुनर्बार जो इस कार्य में सहयोग देते आए हैं, करोड़ों का दान देते आए हैं और भविष्य में जो तन मन धन से इस कार्य में जो साथ देंगे उनको साधु संत महात्माओं की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और परम ब्रह्मा परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में सब एक होकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही भाव को लेकर सब कोई एकता से और शांति से रहकर हम इस संसार में जीवन यापन करें ताकि हमारा जीवन भी सार्थक हो जाए और हम धन्य हो जाए। यही आशा और भरोसा के साथ हम अपने वाणी को यही विराम देते हैं और पुनः बार परमात्मा से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरु ब्रह्मा महामहिमा, महामहिमा, कोटि चिरमङ्गलः ब्रह्मा महिमा।